Hello everyone, today I will discuss with you Doctrine of Constructive Criminality. The provisions regarding Doctrine of Constructive Criminality has been provided under Section 34 of IPC, and according to this doctrine, when a criminal act is done by several persons in the furtherance of the common intention of all, then every person is held equally liable for that criminal act. Now we will understand this doctrine in Hindi. Means जब कोई क्रिमिनल एक्ट मींस ऑफेंस बहुत सारे लोगों के द्वारा अपने एक सामान्य आशय को मींस कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उस अपराध के लिए सारे लोग बराबर तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज दैट चार लोग हैं और चार लोग का सामान्य आशय है या कॉमन इंटेंशन है कि वो किसी एक पर्सन को मारना चाहते हैं और वो उसको मारने के लिए उसके घर की तरफ चले जाते हैं। एक पर्सन उनमें से उसको गोली मारता है, एक पर्सन उसके घर के गेट पे खड़ा रहता है और दो पर्सन बाहर गाड़ी में उसका वेट करते हैं। यहाँ पर भले ही गोली एक पर्सन ने मारी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी ऑल फोर विल बी इक्वली लाइबल, मीन्स ऑल फोर विल बी लाइबल फॉर द मर्डर ऑफ दैट पर्सन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।